रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी की कैबिनेट में शामिल 7 मंत्रियों को मिले मंत्रालय। जितिन प्रसाद बने प्रावधिक शिक्षा मंत्री। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में एक दिन पहले शामिल हुए सभी 7 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद को प्रावधिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। इस तरह राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग मिला है। राज्य मंत्री चंद्रपाल सिंह गंगावर को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और दिनेश खटिक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए बने मंत्रियों के विभागों की घोषणा की। प्रियंका सीजनल और अखिलेश माया ट्विटर पॉलिटिक्स कर रहे। बीजेपी जमीन पर लड़ेगी चुनाव, विजय बहादुर। मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्र के जिलाध्यक्ष और विस्तारकों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया है। पहले संघ में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाचखा ने विस्तारकों को चुनावी रणनीति की जानकारी दी। चुनाव तक हर रोज अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम करने के दिशा निर्देश दिए गए। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि विस्तारकों के ऊपर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के सभी जिले और विधानसभा के पदाधिकारियों को आज उनकी जिम्मेदारी बताई गई। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भाजपा बड़ा दल है और हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता देना हमारा लक्ष्य है। मुस्लिमों की हालत, शादी में बैंड बजाने वालों जैसी, बैंड मत बजाओ, जमहूरियत का बाजा बजाओ ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजाने के पहले ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बीच बैंड बनाने में जुटे हैं। कानपुर में बोलते हुए ओवैसी ने यूपी में SP, BSP और कांग्रेस को मुस्लिमों को तबाह करने वाला बताया। उन्होंने कहा, मुस्लिमों की हालत शादी के बैंड बाजा पार्टी वालों जैसी है, जहां पहले उनसे संगीत बजाए जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन शादी वाली जगह पर पहुंचते ही उन्हें बाहर खड़े रहने को कहा जाता है। अब मुसलमान बैंड नहीं बजाएगा, हम जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। ओवैसी ने कहा कि हर जाति के पास उनका नेता है तो मुस्लिम के पास क्यों नहीं है। यूपी में 19% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी यहाँ किसी को नेता नहीं बनाया गया। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती बोली, बेहतर होता कि नेता इसे स्वीकार ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिन्हें मंत्री बनाया, बेहतर होता कि वे खुद इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक ये मंत्री अपने मंत्रालय में कुछ करना भी चाहेंगे, प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं मायावती ने गन्ना समर्थन मूल्य में इजाफे पर भी योगी सरकार को घेरा। शोषक सरकार को पसंद नहीं, किसानों का सत्याग्रह, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शोषणकारी सरकार को किसानों का सत्याग्रह पसंद नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी बरकरार है, लेकिन शोषक सरकार को यह पसंद नहीं है, इसलिए आज भारत बंद है। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, राज्य इकाई प्रमुखों समेत संगठनों के प्रमुख से किसानों का समर्थन समेत इस भारत बंद में हिस्सा लेने को कहा है। चीनी की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर मायावती ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को या गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा में देरी के लिए यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्यकाल के अंत में राज्य के मंत्रालय का विस्तार भाजपा के लिए किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार सुबह सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है, केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज बहुत दुखी है और परेशान है, लेकिन अब चेहरे की बचत के रूप में गन्ने के MSP में वृद्धि करना चुनाव से पहले की रणनीति खेती की बुनियादी समस्या का यह सही समाधान नहीं है। ऐसे में किसान इनकी किसी आड़ में नहीं आने वाला है। सपा सरकार बन गई, लेंगे कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का हिसाब। चित्रकूट में बोली महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि योगी सरकार में सपा कार्यकर्ताओं का शोषण व उत्पीड़न हुआ है, अखिलेश सरकार बनने पर सबका हिसाब लिया जाएगा। कोरोना काल को लेकर कहा कि जनता उस तकलीफ को भूल नहीं है। पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश के विकास का पहिया थम गया है। सरकार को जनता के सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी
जरूरतों से कोई वास्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। योगी सरकार अखिलेश यादव के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाकर फीता काट रही है। कांग्रेस को मलाई खाने की आदत, लेकिन मोदी सरकार ने लीकेज बंद कर दी। नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस को मलाई खाने की आदत है, लेकिन केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने अलग अलग होने वाली लीकेज बंद कर दी है। ये भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार इस लीकेज को बंद नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें मलाई खाने की आदत है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की मोदी सरकार ने इस लीकेज को बंद कर दिया है। एक साथ कई मोर्चों पर फतेह की कोशिश में बीजेपी जाने नए मंत्रियों के स्वजातीय वोटों का गणित। भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से एक साथ कई मोर्चों पर फतेह की कोशिश की है। खासतौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सहयोगी रहे सभा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के अलग होने से संभावित नुकसान की भरपाई करने की कोशिश भी विस्तार में है। राजभर के सहयोगी दलों के नेताओं के सामने अब प्रजापति बिंदबारी पाल बिरादरी को सहेजे रखने की चुनौती होगी। 11 दलों के भागीदारी संकल्प मोर्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सभा के ओमप्रकाश राजभर के गठबंधन में जाति आधारित दल अधिक है। भाजपा ने संजय के तीर से निषादों पर साधा निशाना। पूर्वांचल की 4 दर्जन से अधिक सीटों पर है नजर। विधानसभा चुनाव से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटी भाजपा ने अपना वो दाव चल दिया है जिसको लेकर लंबे समय से कयासबाजी जारी थी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को विधान परिषद भेजकर भाजपा ने उन विपक्षी दलों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो निषादों के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहे थे। पूर्वांचल की 4 दर्जन से अधिक सीटों पर प्रभाव रखने वाले निषाद फैक्टर को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा पहले ही रुद्रपुर विधायक जय प्रकाश निषाद को मंत्रिमंडल में जगह देने के साथ गोरखपुर के जय प्रकाश निषाद को राज्यसभा भेज चुकी है। तो ये थे आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।